आ गए हैं हम वापस एक बार एक रेसिपी वीडियो के साथ। हमने ले लिए हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और धनिया देख के आपको धनिया की चटनी याद आ रही होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं धनिया की चटनी। उसके लिए हमने ले लिया है सबसे पहले तो धनिया, फिर और लिया है हमने लेमन जूस, अदरक, नमक, सिंग, हरी मिर्च, शुगर, और इन सबको एक मिक्सर जार में मिक्स करके आज हम बनाने वाले हैं धनिया की चटनी मम्मी की हेल्प लेके। तो चलिए मम्मा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? धनिया। धनिया ये कितना है? एक बड़ा बाउल जितना धनिया ले लिया। कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम जितना लिया है। तो सबसे पहले इसको मिक्सर जार में थोड़े धनिया ले लिए 50 ग्राम जितने, बारीक नहीं काटा है, बड़े बड़े ही कट किए हुए हैं। इसको हम ले लेंगे मिक्सी पे और स्टार्ट कर दें। बाकी के जो लेफ्ट ओवर थे धनिया वो हम इसमें ऐड करेंगे, जो पहले डाले थे उसकी थोड़ी बहुत चटनी बन गई है। लगता है हमारी चटनी बनके मतलब जो धनिया थे वो पीस के रेडी हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? काफी बढ़िया सा कलर आ चुका है और हमारे धनिया पीस एकदम से रेडी हो चुके हैं। और क्या क्या ऐड करेंगे मम्मी? अदरक। अदरक छोटा ही पीस लिया है। तीखी है? नहीं, मीडियम है। अच्छा। मम्मी का ये कट करने का स्टाइल बढ़िया सा है। हम तो चॉपिंग बोर्ड से ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे फटाफट कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे मिर्ची, 5-6 मिर्ची लिए हैं। हाँ, और क्या ऐड करेंगे? नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और क्या लेंगे? लेमन जूस। कितना? एक लेमन लिया है। हाँ, एक लेमन लिया है, पूरा नहीं डाला, 4-5 टेबल स्पून कितना लगा लेते हैं। शुगर, शुगर से बहुत स्वीट नहीं हो जाएगी? नहीं, खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। और अबे सिंगदाना, पीनट सिंगदाने ले लिया। चलिए पूरा एक बाउल बाउल। अच्छा, और अब इसको फिर से एक बार मिक्सिंग में घुमा दें। लगता है हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सब बढ़िया सा कलर आ चुका है, देख के ही खाने का मन हो जाए। इसको वड़ा पाव के साथ भी खा सकते हो, किसी के भी साथ खा सकते हो, पकोड़े के साथ खा सकते हो, या फिर चाट में ऊपर से डाल के खा सकते हो। अरे हमारी ग्रीन चटनी, इसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं। बड़ी इजी पीजी रेसिपी है, 5 या 7 मिनट्स में बढ़िया सी ग्रीन चटनी रेडी हो जाती है। मम्मी तो भी पूरा निकाल लेंगे, हमारी तरह छोड़ नहीं देंगे। ये हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। सब किसके साथ करेंगे ऐसे? भाई साहब, हमारी ये बढ़िया सी ग्रीन चटनी तो बन के रेडी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि हम किसके साथ खाते हैं। आप किसके साथ चटनी खाना पसंद करेंगे वो हमें कमेंट में बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ग्रीन चटनी को सर्व किया है ये ढोकला के साथ, गर्मा गर्म ढोकला और ग्रीन चटनी हम खाएंगे। आप बताओ आप इस ग्रीन चटनी को किसके साथ खाओगे?